रखनी चाहिए, रिश्तों की गरिमा रखनी चाहिए। जो आदमी अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता, जनता उसका सम्मान करना छोड़ देती है। तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने भी एक यात्रा शुरू की है आज से। आज मैं पहले दिन है घर में पूजा करने के बाद, और लालू प्रसाद जी कहते हैं कि जनता इनको आगे बढ़ावा दे, इनके मनोबल को बढ़ाए, तो क्या मानते हैं ये सब यात्राओं को? मुझे लगता किसी की दुकान में सौदा बचा नहीं है। 2024 में सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, सबके शटर डाउन हो जाएंगे, और खास तौर से जो बड़े बापों के बेटे हैं इनको देश की जनता स्वीकार नहीं कर रही। आज देश डायनेस्टी के खिलाफ खड़ा है, डायनेस्टी रूल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। परिवारवाद थोड़े बहुत दिन तक चल सकता है, योग्यता के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर भारतीय राजनीति में सम्मान मिलना चाहिए, और प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। गठबंधन में क्या कहना चाहते हैं? गठबंधन का जन्म जब से हुआ तभी से ही बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हो गया था, फिर आईसीयू में चला गया, फिर वेंटिलेटर पर चला गया, उसके बाद फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और जयंत चौधरी जी ने श्राद्ध कर दिया, तो मुझे नहीं लगता गठबंधन नाम की कोई चीज बची है। जयराम जी और अखिलेश यादव जी कह रहे हैं गठबंधन होगा और सीटों का बंटवारा नहीं होगा। अखिलेश यादव जी को पहले अपने चाचा शिवपाल जी से ठीक से व्यवहार करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को जोड़ा। कांग्रेस नेता हैं जयराम जी, उन्होंने कहा है कि 2019 में राहुल जी से गलती हुई है, जो उन्होंने अमेठी में चुनाव नहीं लड़ाए, जनता चाहती है कि वो यहाँ पर आके चुनाव लड़े। जयराम रमेश जी को कहीं से चुनाव जरूर लड़वाना चाहिए, क्योंकि आज तक उन्होंने पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा है। जो आदमी पार्षद का और ग्राम प्रधानी का चुनाव ना लड़ा हो वो कांग्रेस में ये बता रहा है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना चाहिए। 24 तारीख को मुरादाबाद जब न्याय यात्रा राहुल गांधी जी की पहुंचेगी, उसमें प्रियंका गांधी भी शामिल होने की बात कही गई है, उनका ये भी कहना है कि मैं बीमार चल रही थी जिस कारण मैं न्याय यात्रा में नहीं पहुंच पाई। छोड़ आए हम अब वो गलियां, एक उर्दू का शेर है कि तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फो अदा से, तोड़ दिया नाता तेरी जुल्फो अदा से, लाख बल खाए अब अपनी बला से। थैंक यू। आचार्य जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस नेता हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इनकी न्याय यात्रा संभल भी 24 तारीख को प्रस्तावित है, क्या मानते हैं सब लेकर? देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मैं सिर्फ दो ही बात कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्हें न्याय यात्रा कांग्रेस के उन वरिष्ठ नेताओं के लिए निकालनी चाहिए जिनकी रोज बेइज्जती हो रही है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बेइज्जती वो लोग कर रहे हैं जो कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़े, तो उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जो लोग उनकी दादी के साथ थे, उनके पिताजी के साथ थे, उनकी माँ के साथ थे, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके लिए न्याय यात्रा करें तो बेहतर होगा। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.